वही लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं। वह सुबह ढेंकनाल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने ओडिशा की बीजेपी सरकार पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय पर कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेपी के एक छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। मोदी ने जनता से कहा कि आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा ओडिशा के बेटे या बेटी को ही सीएम बनाएगी। 10 जून को ओडिशा में भाजपा की डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इस बीजेपी सरकार का जाना तय है। जनसभा से पहले मोदी ने पुरी में रोड शो भी किया। इस दौरान पुरी से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा भी उनके साथ थे। वही ओडिशा के ढेंकनाल और पुरी में 25 मई को वोटिंग होनी है। मैंने ओडिशा और देश की सुख समृद्धि के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगा है। भाइयों और बहनों, आज देश में पांचवें चरण का मतदान भी हो रहा है। बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से और विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट जरूर डालें। साथियों, जिनको अभी भी मन में अगर दुविधा है, गर्मी है, जाऊं न जाऊं, वो जरा इस सभा में एक नौजवान को मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं वो व्हीलचेयर में है। ये इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है? मतदान के लिए देखिए, एक जागरूक नागरिक अपनी असुविधा, अपनी कठिनाई की परवाह किए बिना राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए यहां आकर के मौजूद है। मतदाताओं के लिए यही प्रेरणा है।